स्वागत है के एम न्यूज पर। मैं हूँ आपके साथ वर्षा कोहली। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में लोगों को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने अटल भूजल योजना की शुरुआत की है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब मनाली को लेह से जोड़ने वाली रोहतांग टनल को अटल टनल के नाम से जाना जाएगा। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने नागरिकता संशोधन कानून और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप को लेकर हुई हिंसा में मारे गए लोगों के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को सुझाव दिया है। उन्होंने यूपी सरकार से हिंसा में मृत लोगों को सही जांच कराने और निर्दोष लोगों की मदद करने के लिए कहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वे सोनिया गांधी को शपथ ग्रहण समारोह में आने का निमंत्रण देंगे। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के बाद अब राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये तीनों एक हैं, हर भारतीय इनके खिलाफ है। इनको लेकर जो आशंकाएं हैं उससे गहरा असंतोष और आक्रोश पनप रहा है। CAA का विरोध कर रही कांग्रेस पर हरियाणा के गृह मंत्री ने जुबानी हमला बोला है। राहुल गांधी के ट्वीट, देश को बात कर मोदी और शाह पीछे हट रहे हैं पर हमलावर हुए विज ने कहा कि सोनिया गांधी ने खुद इटली से आकर भारत की नागरिकता ले ली है। इसके उलट पड़ोसी राज्यों में पड़ताड़ना से दुखी होकर भारत में शरण लेने के बावजूद गुमनामी की जिंदगी जी रहे हिंदू और सिखों को नागरिकता देने का राहुल और सोनिया विरोध कर रहे हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में तीव्र भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, ये जानकारी US जियोलॉजिकल सर्वे की ओर से दी गई है। सर्वे के अनुसार सिलसिलेवार में भूकंप के शक्तिशाली झटके आए जिसकी तीव्रता 6.3 नापी गई है। भूकंप का केंद्र ग्रेनाडा से 33 किलोमीटर दूर 10 किलोमीटर की गहराई में था। अमेरिकी शहरों में नागरिकता कानून और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप के समर्थन में बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिकियों ने रैली निकाली है। एक समाचार एजेंसी के अनुसार रैली के आयोजकों ने कहा कि इसे लेकर गलत सूचनाएं फैलाई जा रही हैं, इससे किसी को नुकसान नहीं होगा। इंडोनेशिया में यात्रियों से भरी एक बस 500 फुट गहराई में गिर गई थी। इस घातक बस दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 28 हो गई है, इसमें 8 बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस ने ये जानकारी दी है। अभी भी नदी में लोगों की तलाश जारी है। श्रीलंकाई टीम के बल्लेबाज चमारा कपुगेदरा ने हर तरह के क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। श्रीलंका के एक संवाददाता ने ये जानकारी दी है। साल 2017 में आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले चमारा अब कोचिंग फील्ड में उतर गए हैं। हरभजन सिंह ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की सीनियर चयन समिति पर सवाल खड़े किए हैं। हरभजन सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, मुझे हैरानी हो रही है कि सूर्य कुमार ने क्या गलत किया है। भारतीय टीम भारत ए भारत बी में चुने गए बाकी खिलाड़ियों की तरह उन्होंने भी रन बनाए हैं, तो उनके साथ अलग सलूक क्यों हो रहा है। देश और दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KM News को सब्सक्राइब करें।